आपका क्वेश्चन है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक थ्री पर्सन स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। वॉट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। इसका मतलब क्या है? तो आपके पास में तीन लोग हैं, तो फर्स्ट पर्सन का स्टेप इज 30, सेकेंड पर्सन का स्टेप इज 36 सेंटीमीटर एंड थर्ड पर्सन का स्टेप इज 40 सेंटीमीटर। तो अब इनको इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना है और उनका स्टेप भी कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? फुल स्टेप। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाफ स्टेप हो। तो हाफ, यू कैन सी नाउ 30, 36 और 40। अगर आप इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो आपको क्या मिलेगा? बहुत छोटा, ठीक है? तो वो इतना छोटा होगा कि इसका फुल स्टेप भी नहीं बनेगा एक का भी। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट एलसीएम, ठीक है? लो, क्या है हमारा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको पहले इनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो फर्स्ट इज 30, तो 30 के फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं? 2, 15। नेक्स्ट 3, 5। तो ये आपके फैक्टर्स है 30 के। नेक्स्ट इज 36, तो 36 के हमारे क्या होते हैं? 2, 18, 2, 9 एंड 9 इज 3 एंड 3। नेक्स्ट इज 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? नॉर्मल जो हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, दैट मीन्स 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। 36 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। 40 इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 5, ठीक है? आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में आपको क्या करना पड़ता है? देखो, पहले तो हर एक नंबर को लिखेंगे वंस। तो ये देखो, ये 2 वाला लाइन है तो 2 को लिखेंगे, फिर 3 भी है यहां पर, 3 को भी लिखेंगे, और क्या है, 5 भी है तो 5 भी लिखेंगे। बट इसमें आपको क्या करना है? हाईएस्ट पावर लिखना है। तो हाईएस्ट पावर 2 का क्या है? 3। तो यहां पर लिखेंगे 3। 3 का कितना है? स्क्वायर। और 5 का कितना है? 1, 1, तो 1 टाइम, है ना? तो ये आपका एलसीएम होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 क्यूब इज 8, 3 स्क्वायर इज 9 इंटू 5, तो कितना हो गया? देखो, 8 इंटू 5 इज 40, तो 40 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 360 सेंटीमीटर। दैट मीन्स एट 360 सेंटीमीटर जब वो तीनों कवर करेंगे तो उनका फुल स्टेप विल कंप्लीट, और फ्रेश स्टेप से फिर स्टार्ट करेंगे वो, ठीक है? तो इस तरह से आपको इसको निकालना है।